मेरा ये मानना है कि पार्टी ही नहीं, मोनिया एंड कंपनी ये लुटेरों का गैंग है। दिल्ली में केजरीवाल सबको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और यहाँ कर्नल कोठियाल झूठ की दुकान चला रहे हैं। इस प्रकार कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी है, कांग्रेस ने डोर टू डोर कैंपेन करना बंद कर दिया है, उसी प्रकार आम आदमी पार्टी ने भी हथियार डाल दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज पूछेगा उत्तराखंड की आप पर आफत, यानी आम आदमी पार्टी पर आफत और अपनों की बगावत। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तीसरा विकल्प बनने का सपना देख रही थी, लेकिन वो लगता है कि सपना अपनों ने ही तोड़ने की कसम खा ली है। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी में टिकटों को बेचा गया है? जो आरोप आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एक के बाद एक लगा रहे हैं। सिर्फ एक नेता नहीं, एक के बाद कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, आरोप यह भी कि बकायदा डमी कैंडिडेट उतारे गए, डमी कैंडिडेट, ताकि एक राजनीतिक दल को इसका फायदा मिल सके। आपके नेताओं ने ही अब एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे। आपके नेताओं के बगावत के सुर अब आम आदमी पार्टी के लिए टेंशन का सबब बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता सबसे ज्यादा अगर किसी पर संगीन आरोप लगा रहे हैं तो वो है प्रदेश प्रभारी मोहनिया साहब। दिनेश मोहनिया पर कई संगीन आरोप आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी को छोड़ते हुए लगा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सरकार बनाने का सपना देखने वाली आम आदमी पार्टी अब बगावत की आग से झुलस रही है। उत्तराखंड में पार्टी की एक मुहिम छिड़ी थी कुनबा बढ़ाने की, लेकिन कुनबा बड़ा नहीं। हालात ये हैं कि कुनबा जो बना वो भी अब एक के बाद एक छटकते चले गए। तमाम पार्टी के बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह गए और सबके निशाने पर प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया। आरोपों की सुई और आरोप संगीन कि पार्टी की टिकट को बेच दिया गया। इतना ही नहीं, देहरादून जैसे जिले में जहां पर गढ़वालियों का बोलबाला है, हर राजनीतिक दल गढ़वालियों को टिकट देता है, आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर किसी गढ़वाली को टिकट नहीं दिया। रविंद्र जुगरान पार्टी को छोड़ गए, जो कि राज्य आंदोलनकारी रहे। चंद्र किशोर मेजर जनरल साहब, वो भी पार्टी को अलविदा कह गए, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। विनोद कपड़वाल, वो भी पार्टी को अलविदा कह गए क्योंकि वो प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर थे, उन्होंने भी संगीन आरोप लगाए। आनंद राम चौहान आईपीएस रहे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे। सुबर्धन शाह पूर्व आईसीएस, एक बड़ा नाम उत्तराखंड में। संजय भट्ट प्रदेश प्रवक्ता, गंभीर आरोप लगाए। राकेश काला प्रदेश प्रवक्ता, आशुतोष नेगी प्रवेश प्रवक्ता। प्रदेश प्रवक्ताओं की फहरिस्त ऐसी कि जिन्होंने एक के बाद एक पार्टी को अलविदा कह दिया। अवतार राणा, जितेंद्र मलिक, अतुल जोशी, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब सवाल यही कि अपनों के सितम से इस वक्त बगावत की आग से झुलस रही आम आदमी पार्टी अब कैसे सुलगाएगी ये बगावत की आग, और वो भी तब जब ये सब कह रहे हैं कि कर्नल कोठियाल कठपुतली हैं और कर्नल कोठियाल जान कर भी अनजान बने। डमी कैंडिडेट अगर उतारे गए, आरोप वाकई संगीन है, तो फिर किसके लिए और क्यों और किसके कहने पर ये डमी कैंडिडेट उतारे? क्या आम आदमी पार्टी किसी के लिए फील्डिंग कर रही है? और क्या वाकई आम आदमी पार्टी अब बी टीम बन चुकी है? अगर हां तो किसकी? ऐसे तमाम सवाल हैं। तमाम राजनीतिक दल आज हमारे साथ होंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा होगी चर्चा, लेकिन पहले ये तीन बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। अधिकांश लोगों ने, क्योंकि मैंने टिकट की दावेदारी इनसे की नहीं, मेरे तो मैं समझ चुका था इनका खेल क्या है, तो मैंने टिकट की दावेदारी की नहीं, लेकिन जो फिर भी टिकट लड़ने की प्रत्याशा में थी कि शायद टिकट मिल जाए, तो उन लोगों से आप अगर जाएं या उनसे बात करें, ऑन द रिकॉर्ड भी लोग बोल रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो बोल ही रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी लोग बोल रहे हैं, वो तमाम इस तरह के ऑडियो, कई तरह की वीडियो हैं, मैं मेरे पे हैं, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा आपके उसको चैनल को, आप उसको चला सकते हैं। लोगों की बातचीत बता रहा हूँ, पैसे का खुला आरोप लगा रहे हैं।
हर सीट पर जो लोग जीतने की संभावना वाले थे, लेकिन अगर पैसे से कमजोर थे। और इनका कहना था कि हमारी पार्टी जो है भ्रष्टाचार हटाने की बात करती है, हम दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार लोगों की पार्टी हमारी है, ये सबसे ज्यादा करप्ट लोगों की पार्टी है, ये ब्रांडेड झूठे लोग हैं। में आया है कि उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी को अभी तक 37 नेता छोड़ चुके हैं, क्योंकि शायद उनके सामने आम आदमी पार्टी की हकीकत आ गई थी, उसकी सच्चाई उनके सामने उजागर हो गई थी। दिल्ली में केजरीवाल सबको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और यहाँ कर्नल कोठियाल झूठ की दुकान चला रहे हैं। जनता को सिर्फ मुफ्त मुफ्त की योजनाओं से वोट की उगाही करने की कोशिश करने वाली आम आदमी पार्टी का वैसे ही उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है, और ऊपर से करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ अब कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, जब उनके 37 नेता आज उनको छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि आम आदमी का आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़ाव होगा, जब उसके नेता ही उस पर विश्वास नहीं प्रकट कर पा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में किसी भी हैसियत में नहीं, और बची खुची कसर जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जो कमान संभाल रहे थे उत्तराखंड में, उन्होंने इस्तीफा देकर पूरी कर दी है। उनके प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने 5 सवाल केजरीवाल से पूछे हैं, क्या केजरीवाल एक भी सवाल का जवाब दे पाएंगे? उनके पास एक वरिष्ठ IPS अधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके पास एक जो है लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के पूर्व सैनिक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक IAS थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के 37 से ज्यादा पदाधिकारियों ने लगातार इस्तीफा दिया है, इसलिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में संपूर्ण रूप से जो थोड़ा बहुत उन्होंने संगठनक ढांचा खड़ा करने की कोशिश की थी है, उसको खत्म कर चुकी है। महिलाओं का कोई सम्मान उन्होंने नहीं किया, उन्होंने महिला मोर्चा की अध्यक्ष युवक को बनाया, पहली परिपाटी उन्होंने शुरू की, जबकि सभी विगमों में जितने भी महिला मोर्चा हैं सबकी अध्यक्षता महिला ही है, लेकिन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा का जो अध्यक्ष है वो पुरुष बनाया गया है। जिस प्रकार कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी है, कांग्रेस ने डोर टू डोर कंपेन करना बंद कर दिया है, उसी प्रकार आम आदमी पार्टी ने भी हथियार डाल दिए हैं और निश्चित तौर पर तो ये आरोप और आरोप के बाद सवाल खड़े हुए, क्या आम आदमी पार्टी वाकई किसी की बी टीम बन चुकी है? और अगर बी टीम बन चुकी है तो किसकी? सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ महेश जोशी साहब जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, और साथ ही DK पाल इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और कमलेश उनियाल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं जो कि BJP के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले DK पाल, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए सर, आप कहेंगे कि ये चर्चा हो रही है, लेकिन DK पाल जी चिंटू मिंटू हर पार्टी में होते हैं ऐसे नेता होते हैं पिंटू होते। लेकिन मैं आपकी लिस्ट देख रहा था अब तक 37 कोई IAS रहा, कोई मेजर जनरल, कोई राज्य आंदोलनकारी, कोई आईपीएस, सब के सब आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, पार्टी को अलविदा कह गए, और सबसे संगीन आरोप बेचा। आपकी प्रतिक्रिया जी। देखिए, एक तो ये जो आपके टीवी चैनल पर इन नेताओं के जो बयान आ रहे हैं ना, दो दो तीन दिन, एक तो ये बोल रहे हैं कि 37 बड़े नेता, 37 अभी तक जो छोड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी को, तो मैं इनको बहुत बहुत ईमानदारी से सम्मान के साथ में बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी नहीं है, यही लोग कह रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, कह रहे हैं कि हम नए हैं। जब हम नए हैं तो हमारे बड़े नेता कहां से कौन हो गया? और फिर जिन 37 की आप बात कर रहे हैं, 37,000 आदमी अगर पार्टी की ज्वाइन करते हैं, 37 कार्यकर्ता, पहली बात तो नेता है ही नहीं थे वो लोग। अगर एक कोई राज्य आंदोलनकारी तो पूरे राज्य में आज नेता कहलाने के लिए जूझ रहे हैं अपने आप को, तो वो कहां से नेता बनेंगे? वो तो राज्य आंदोलनकारी भी बेचारे ढंग से नहीं रहे। अच्छा, तो मतलब राज्य आंदोलनकारी बड़े नेता नहीं होते? राज्य आंदोलनकारी बड़े नेता नहीं, बड़े आंदोलनकारी होते हैं, वो नेता नहीं होते, कार्यकर्ता होते हैं। आप उनको नेता बनाने तभी आरोप, आप उनको बनाइए नेता, बनाइए आप नेता होते तो राजनीति में आते,
राजनीति में आए थे जो लोग वो समझ नहीं पाते राजनेताओं की बातें और पार्टियों की पॉलिसी को, जब वो समझ नहीं पाता ना वो पार्टी को समझ नहीं पाया। जिनका नाम आपने लिया है मैं बता दूं आपको, मैं नाम ले आपने लिया है अभी घंटे पहले मेरे साथ चंद्रमोहन साहब बोलिए कि वो भी नेता नहीं है। नहीं नहीं देखिए जो नेता है वो नेता है, लेकिन यदि अगर राजनीतिक परिभाषा को नहीं समझते, राजनीतिक सिस्टम को नहीं समझते, चुनाव की प्रक्रिया को, प्रत्याशी कैसे चुना जाएगा प्रक्रिया को नहीं समझते, तो उनको टिकट नहीं दिया तो हमने टिकट भेज दिया। मैं वो तो कह रहा हूँ हमने टिकट भेज दिया, यदि वो उसमें खड़े नहीं उतरे, उस फ्रेम में वो बैठे नहीं, उनके पीछे मास नहीं था, कार्यकर्ता नहीं थे, वोटर जो डालने वाले थे उनके साथ में पीछे जब ताकत नहीं थी, उनको टिकट नहीं दिया भाई। मुझको अगर टिकट नहीं मिला तो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ धर्मपुर से योगेंद्र चौहान, आप नोट कर लीजिए, चक्राता से दर्शन डोभाल, ऋषिकेश से डॉक्टर राजेश सैनी नेगी, देहरादून हमारे देहरादून जो आपके सर छह गिनवा रहा हूँ मैं तो, सर आप गिनिए ना सर, मैं कम मना कर रहा हूँ, हर आंगन को आप सीखा। देहरादून की बात करें मैं अभी कार्यक्रम में उनको जोड़ूंगा, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि आप पार्टी की एक पार्टी की बी टीम बन चुके हैं, डमी कैंडिडेट। अरे सर अब अभी तो आप कह रहे थे कि गढ़वाली को किसको उतारा है, मैं छह नाम आपको दस सीटों में से गिनवा रहा हूँ सर, आपके नेता क्या नहीं कौन कह रहे हैं सर, जो चले गए छोड़ करके, जी जी जो छोड़ वो हमारे नेता कहां से हुए, उनको तो सस्पेंड किया हमने 6-6 साल के लिए कई लोगों को, जब पार्टी गति विरोधी। पाल जी मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल आप जो बात कर रहे आप जो बात महेश जोशी जी कमले, अगर डीके पॉल जी यहां बैठे रहते यहां बैठे रहते ये ना बोले कि टिकट बिकी है, मैं इस कार्यक्रम को यहीं खत्म कर जी जी डीके पॉल जी बोलेंगे, डीके पॉल जी बोलेंगे जी, बोलिए जी बोलिए बोलेंगे जी बोलिए। लेकिन कमलेश उनियाल जी ये किसकी भी टीम है, अगर टिकटें बिकी हैं तो, अगर इन्होंने टिकट बेची है तो, कमलेश उनियाल जी किसकी भी टीम है? देखिए मैं तो एक चीज बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने जो हमारे कार्य हैं और जो आम जनमानस के अपने काम किया है उसके तहत नियमित काम कर रही है, और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे आंदोलन से उठा हुआ एक पार्टी है। पार्टी क्या है, इन्होंने अन्ना हजारे जो आंदोलन था उसको किसी तरह से कैप्चर किया, और यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने एक सूची बनाई थी और उस सूची में क्रमबद्ध नाम लिखे गए थे। हम ये पूछते हैं अब तक इन्होंने कितनों पे कार्रवाई की है। दूसरी बात, अगर बी टीम की बात करते हैं तो कांग्रेस की बी टीम है, आप ये देखे ना भारतीय जनता पार्टी जो सबसे पहले मिल करके सरकार किसने बनाई दिल्ली में, ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं, और इन्होंने वहां पर जहां जहां पर कांग्रेस इनको लगा उस हिसाब से इन्होंने वहां पे कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं, और इनका एक उद्देश्य है जो प्रभारी के रूप में अभी आप जिनका नाम ले रहे थे, इनका एक उद्देश्य है उत्तराखंड के अंदर जो मेरे कंधे पर क्यों बंदूक रख रहे हो कमलेश उनियाल जी, इनके अपने नेता नाम ले रहे हैं कह रहे हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं आपकी डिबेट में हो चुकी है बिल्कुल, आपकी डिबेट में जो स्थिति आ रही है, जो इनके प्रवक्ता को एक लक्ष्य दे रखा है कि यहाँ उत्तराखंड से जो पूंजीपति लोग हैं उनको किस्तों से ठगा जाए, कौन कितने ज्यादा पैसे दिए उस पैसे को इकट्ठा करके, इनको पता है यहाँ हमारा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए पंजाब में उस पैसे को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, और वहां पर इसको क्योंकि जहाँ जहाँ जो इनका पूर्ण उद्देश्य है, और इनका कुल काम दिल्ली में भी इन्होंने ठगी करी है, दिल्ली में सस्ते फ्री के झांसे में जो जनता आई थी वो अब नहीं आने वाली, आने वाले चुनाव में इनका असर बहुत बुरा होने वाला है। आप कह और रहे ये कि तो आप पैसे लेकर 30... जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया वहां पर पंजाब में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी आने वाले टाइम पे अभी आपके पास मैं एक चीज और इस बात में जोड़ूंगा, आने वाले टाइम पे ये डिबेट का बिंदु बनने वाला है आप देखना, और ये जो 37 की बात करते हैं अब तक 56 होने वाले हैं जल्दी 2 दिन के अंदर, अब तक 56 इनके बड़े बड़े नेता छोड़ छोड़ के भागने वाले हैं, जो आप बड़ी डिबेट में आकर के बड़ा पक्ष रखते थे अरविंद केजरीवाल का, सुदर्शन शाह को भी नेता नहीं मानते बताइए, जिनका पूरे उत्तराखंड में सम्मान होता है
वो रविंद्र जुगराल को भी नेता नहीं मानते। डीके पॉल कह रहे हैं इनका ये कहना है कि इनके यहाँ नेता वही है, इनके यहाँ नेता वही है जिसके पास पैसा है। इन्होंने ठगी करनी थी टिकटों की आड़ में, इन्होंने ठगी कर दी। आपके पास आवा जी, डीके पॉल जी जवाब दीजिए। जी जी बताइए, मैं अपनी बात रखूं। जी सर, इसीलिए बुलाया, इसीलिए बुलाया मैंने। अगर रविंद्र जुगराल जी वाकई में बड़े नेता होते इस राज्य के, तो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट ना देती। वो क्यों भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी से? सुनिए मेरी बात। अरे मैं रविंद्र जुगराल जी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उन्हें पता है रविंद्र जुगराल को सम्मान मिला है। मत बोलिए, बात सुन लीजिए। दिल्ली में आपका नाम और निशान मिटा दिया है आम आदमी पार्टी ने। अरे आपका नाम ही जमानते जब जो फर्जीवाड़ा आपने किया है फ्री के नाम पर, आप पुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अरे सुन तो लीजिए भाई, और उत्तराखंड को आप सांस्कृतिक राजधानी बनाने चाह रहे हो, और वहाँ पर आप विशेष जाति समुदाय को आगे बढ़ाने में फेसबुक पर आप पोस्ट करते हो। आपकी जो पॉलिसी, आपका कोई पॉलिसी नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है। आपकी जो सोशल मीडिया मीडिया के माध्यम से ब्रांडिंग करके उन लोगों के साथ आप नहीं कर रहे हो, उत्तराखंड की बोलने वाली जनता के साथ कुछ नहीं करने वाली। अगर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं तो आपने भी टिकट बेचे होंगे, तो हमने भी टिकट बेचे होंगे। मैं स्वीकार करता हूं उस बात को। आप एक भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ये कह दे कि टिकट बिका है? आपके तो कार्यकर्ता के प्रदेश के पदाधिकारी आकर के मीडिया के आगे बोल रहे हैं कि जिन्होंने टिकट बेचा है। आपके तो आरोप लगे हैं। किस पर? हम पे कोई आम आदमी पार्टी पे तो आरोप लगे हैं। टिकट बेचे गए हैं। आप ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी का किसी एक कार्यकर्ता है कहीं ऐसी विषय जो आरोप लगा, उसी बारे में तो चर्चा होगी। आज चर्चा का विषय बनते हैं जो आपके लोग, जो आपके पार्टी में शामिल हुए वो मीडिया के आगे आकर के बढ़ रहे हैं। राजनीति, आप मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। आप मुद्दों से हटके अलग, ये डिबेट जो हो रही है मुद्दों से हट करके हो रही है। लेकिन मैं फिर भी जवाब दूंगा, आम आदमी पार्टी ठगी कर रही है, पूंजीपति लोगों को टिकट बेच रही है। जो कार्यकर्ता जिसकी निष्ठा थी, देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। इमोशन की कोई कीमत नहीं होती है। कोई कार्यकर्ता अगर आपके साथ जुड़ा होता है, इमोशन है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। उसने ड्रीम देखा, सपना देखा, आम आदमी पार्टी से मैं विधायक बनूंगा। आपने कुठाराघात किया उसके साथ, आम जनता के साथ। आपने पूंजीपति को पैसा दिया, ये तो बोल रहे हैं आपके प्रवक्ता। आज मैं सुरेश जी की बात करूं, जो प्रवक्ता आपके लिए लड़ते थे। आपको तो नाम ही याद नहीं उनका, मैं क्या करूं? आपको क्या जवाब दूं? आप बताइए, 13 जो आपके बागी हैं, क्या आपने उन ईमानदार बागियों का टिकट काट करके उनकी जगह दूसरे नेताओं को जिनको टिकट दिया, टिकट बेचा है क्या? वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, विषय बिंदु तो ये है। और हमने भी जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अगर दिए हैं, जो कमिटमेंट के हिसाब से जो किया पूरा किया है, हमने किसी के साथ आपके यहाँ तो सोशल मीडिया में आए दिन आप देखे न्यूज में सुर्खियां बनी हुई है। और दो दिन का समय और मैं बता रहा हूँ आपको, अब तक 56 होने वाले हैं आपके यहाँ 33 से। डीके पॉल, डीके पॉल, यानी आप ये कह रहे हैं आपकी नजर में ये नेता नहीं थे, चलिए वो छोड़ के चले गए। एक एक नाम मैंने आपको सुनाया, कुल मिलाकर ये नाम की मैं फहरिस्त देख रहा था, अब तक जो है वो 37 नाम हो चुके हैं। कितने? 37 नाम। आप ये कह रहे हैं कि आपके नेता नहीं आप छोड़ के चले गए, 37 चेहरे पार्टी को छोड़ के चले गए, और सब ने बेचने का अधिकतर चेहरों ने आरोप लगाया कि आपने डील किया। सुनिए, नहीं, देखिए आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, कैसा भी आरोप लगा सकता है। आरोप लगाना उसकी अपनी बुद्धिमत्ता है, वो अपनी बुद्धि का जितना इस्तेमाल करे कर ले, उस बात से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आरोप की कोई मापदंड भी तो होते हैं भाई, किसको पैसा दिया, किसने खरीदा, जरा प्रमाण तो पेश कर दो हमारे सामने। अगर आप आरोप की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से दोहराओ, डीके पॉल बताइए, एक बार फिर से दोहराओ, एक बार फिर से दोहराओ। मैं ये बात कह रहा हूँ, हाँ जी मैं सुनना चाह रहा हूँ, डीके पॉल, सुनना चाह रहा हूँ, डीके पॉल। अरे पूरा उत्तराखंड सुनेगा, पूरा उत्तराखंड सुनेगा।
बिल्कुल सुनाइए, उत्तराखंड जानता है। अभी मैं तो दिखाऊंगा और दिखाऊंगा डीके पॉल जी, अपने डिबेट छोड़ के मत भागिएगा, दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। डिबेट छोड़ के क्यों भागूंगा? जो पहले टिकट नहीं दिखा उन्हीं से मुझे बुलाऊंगा कि टिकट बिका है। देखिए ये जो आरोप है आपके बेबुनियाद आरोप है, और इन आरोपों से आम आदमी पार्टी का काफिला रुकने वाला नहीं है। जनता आम आदमी पार्टी को चुनने जा रही है। संजय भट्ट जुड़ गए मेरे साथ। महेश जोशी, ये किसकी भी टीम है? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। महेश जोशी जी, जी किसकी भी टीम है? देखिए अभी 6 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की तरफ इन्होंने रुख किया, और आते ही इन्होंने 70 विधानसभा में चुनाव लड़ने की घोषणा की। और यहाँ पे इन्होंने अपना ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना कुछ इन्होंने अपने कमेटी का गठन किया, ना कुछ किया। तो इनके आकर्ष में आकर हमारे भी कई मित्रों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद में जब इन्होंने देखा कि वहाँ पे उन वहाँ का माहौल इस तरह है कि किसी भी कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं दी जाती है, किस तरह से काम किया जाए ना उसकी सलाह ली जाती है, दिल्ली से टीम चलकर आती है और उनके ऊपर अपना आदेश थोपती कि आपने इस हिसाब से काम करना है। तो इस तरह और उन्होंने मतलब जिस तरह से यहाँ पे एक रणनीति के तहत काम करना चाहिए था, जनता के सवालों को लेकर जिस तरह से मुखर होकर कार्य करना चाहिए था, उस तरह की कोई बात दिखती नहीं है। खाली इनकी भूमिका अभी जो लग रही है ये वोट कटाओ के रूप में ये यहाँ प्रदेश में काम कर रहे हैं। किसका वोट काटना है? कौन डमी कैंडिडेट उतार रहा है ये वोट? इनके तो ये है कि भाजपा की बी टीम के रूप में इनका काम है, ये तो सबको पता है। उनियाल जी कह रहे थे वो आपकी बी टीम है, हम तो कांग्रेस की भी बीटी है, भाजपा कार्य कर रही है उसी के रूप में ये कार्य कर रहे हैं जैसे भाजपा काम कर रही है। डाटा बेस कंपनी है, पूरे डाटा इकट्ठे करना इनका काम है। संजय धरातल पे इनका कोई काम नहीं है। एक मिनट महेश जी, संजय भट्ट साहब का मैं परिचय करवा दूं। ये संजय भट्ट साहब जो हैं, ये उत्तराखंड की सियासत में जाने माने चेहरे हैं वैसे, लेकिन भट्ट साहब पुराने जो हैं पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रवक्ता रहे। भट्ट जी, आपने सुना डीके पाल जी क्या कह रहे थे? डीके पाल जी बोले कि मैंने एक एक नाम गिनवाए 37, लेकिन मुझे याद आया कि शायद पिछले हफ्ते मैंने आपका इंटरव्यू किया था। और भट्ट जी, आज मैंने इंटरव्यू एक और शख्स का किया, उनका नाम है चंद्र किशोर जखमोला साहब, मेजर जनरल साहब। आपने जो आरोप लगाया हूबहू वही आरोप लगा रहे थे मेजर साहब, मेजर जनरल साहब बोले कि कठपुतली है कर्नल कोठियाल, कठपुतली। अभी वो इंटरव्यू जो है अपलोड होगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टाइमलाइन पर, कह रहे कठपुतली है कठपुतली। जो आदेश दिल्ली से जारी होता है वही आदेश पढ़ना होता है। मैंने नहीं छोड़ा, मेरे साथ साथ मैंने सुबर्धन शाह जी का नाम लिया। डीके पॉल जी बोले कि भाई ये तो नेता है ही नहीं, किन किन का नाम ले रहे हो? 37 नाम मैंने पढ़ दिए। लेकिन संजय भट्ट जी, डीके पॉल जी कह रहे हैं कि इनकी बातों को गंभीरता से मत लो, नू कि नहीं? और सभी पैनलिस्टों का और सबसे बड़ा धन्यवाद उत्तराखंड वासियों का, उत्तराखंड की जनता का। देखिए आपने 37 नाम बार बार बोल रहे हो, आप 37 नाम पर 37 नहीं, वो 43 हो गए। अच्छा, उसको आप ठीक से लग रहा है आपको? अब तक 56 ठीक से भेज नहीं रही, मैं भेज रहा हूँ एक एक करके। प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा रुचि धस्माना जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। अच्छा, नैनीताल के जिला अध्यक्ष संतोष कबड़वाल जी ने कहा कि मैं इस गिरोह से इस्तीफा देता हूँ, इस गिरोह में दिनेश मोहनिया प्रभारी ने सारे टिकट बेच दिए हैं। कल उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष नैनीताल ने, संजय संतोष कबड़वाल जी ने। ऐसे ही टोटल हो गए 43 लोग।
टोटल है 43। अब जब सब लोग आरोप लगा रहे हैं तो बिना चिंगारी के तो धुआं नहीं उठ रहा होगा, लेकिन चिंगारी होगी तभी तो धुआं उठ रहा है। अभी अभी आप जुड़े नहीं थे, डीके पॉल जी से मैंने पूछा, आपने गलत आरोप लगाया, आपको माफी मांगनी होगी यहाँ पर। उन्होंने ये कहा कि हमने गढ़वालियों को टिकट दी है, आपने गलत आरोप लगाया था यहाँ बैठ के। देहरादून शहर की 6 सीटें हैं, डोईवाला मोर्य जी कहां से होते हैं, पूर्वांचल से। आपका मसूरी 10 विधानसभा। एक बड़ी बात यह है कि जिसको टिकट हुआ श्याम सिंह गोरा को, उसने अपना नाम बदलकर अब प्रेम किशन कर दिया। आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी की जितनी लिस्ट है उनमें मैं भेज दूंगा, पहले वो श्याम सिंह गोरा थे, अब वो प्रेम किशन हो गए। क्या घपला है मुझे नहीं पता, आए हैं गोरखपुर से। धर्मपुर जिसको टिकट दिया, मूल निवासी सहारनपुर, गांव का नाम जहानपुर, ऐसे ही दूसरे टिकट दिए। 6 की 6 सीटों पर देहरादून शहर की एक भी गढ़वाली को टिकट नहीं दिया, यहां तक कि कोटद्वार सीट जिससे आज तक गढ़वाली के सिवा कोई दूसरा नहीं जीता, वहां भी नॉन गढ़वाली को टिकट दिया है। पहली बात ये, डीके पाल जी कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और बोलते रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा हूँ, सच्चाई तो आपको दिख जाएगी, आप सारे पेपर चेक कर लीजिए, मेरा थोड़ी ना कुछ है पेपर, तो वो उन्होंने वहां के बारे में आप कितने नाम गिनवा रहे थे, एक नाम गिनवा रहे थे और आपने कहा कि झूठ बोल रहा है चावला, आप बोलो कौन कौन से नाम आप गिनवा रहे हैं। देहरादून में पहली बार तो संजय भाई 10 विधानसभाएं हैं, शहर की विधानसभाएं अलग नहीं हो सकती देहरादून के जनपद की विधानसभा से। उम्मीद करता हूँ आप एक बहुत प्यारे से राज्य आंदोलनकारी हैं और आप ध्यान से, मैं आपकी बात को बहुत बड़े ध्यान से सुनता हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात भी ध्यान से सुनेंगे। पहला तो जनपद देहरादून में 10 विधानसभाएं हैं, चकराता से दर्शन डोभाल जी को टिकट दिया, आप नोट कर लीजिए अपने पास। दूसरे नंबर पर संजय भाई मैं आ गया, आप थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए, मैं आ गया। आप धर्मपुर से आ जाइए, योगेंद्र सिंह चौहान कौन है भाई, आप उनको गढ़वाली नहीं जानते क्या? सहारनपुर गांव का नाम जहानपुर भाई, भाई रायपुर से नवीन परसाली हमारे छोटे भाई, उनको आप गढ़वाली नहीं मानते क्या? आप मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, नवीन परसाली जो आप विद्यालय के अपने नाम के आगे नवीन परसाली उनके 420 का मुकदमा है, कोर्ट का मुकदमा है। आप किसी के पर्सनल घर में क्यों घुस रहे हो आप संजय भाई? आपको क्या लेना देना किसी से? घर की तो बात नहीं थी, वो चुनाव का मामला है संजय भाई। संजय भाई व्यक्ति के साथ आप बहुत समझदार और आंदोलनकारी हैं। व्यक्ति का आरोप जी, मैंने आपको 3 नाम गिनवाए, ऋषिकेश से डॉक्टर राजे ने भी भाई वो गढ़वाली नहीं है क्या? संजय भाई आप किसको गढ़वाली कह रहे हैं, किसको? अच्छा मैं और बता देता हूँ प्रवीण मित्तल 150 साल से विकास नगर में रहते हैं, उनके दादा परदादा विकास नगर में अपना खाना पानी अपने रोजगार अपनी किसानी कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, भाई आप उनको गढ़वाली नहीं मानते क्या? आप क्या गढ़वाल और डीके पाल और संजय भट्ट में फर्क डालना चाह रहे? मेरे 150 साल से मेरे परिवार जब से शायद तो बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे यहाँ पे, मैं डोईवाला का निवासी हूँ, मैं 150 साल से रहता हूँ, मैं गढ़वाली नहीं हूँ। आपकी नजर आप गढ़वाली प्लेन नहीं है क्या है ये आपका? किस तरह के आरोप लगा रहे? जब आंदोलन चल रहा था यही डोईवाला के लोग, सुनिए ध्यान से आप मेरी बात को, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, वही लोग थे हम जब अपने गढ़वाल की तरफ से कर रहे। अरे भाई मैं कैसे जवाब दूं आपको संजय भाई? आप सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरी गुजारिश है अगर आप हो सके तो ईपी लगा लीजिए, आपका ऑडियो इस वक्त पूरा उत्तराखंड सुन रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी आवाज गूंज रही है। मैं वही कह रहा हूँ, आप कभी हिंदू मुसलमान में, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान में बांटती है? ये हिंदू मुसलमान छोड़िए, अभी जो आरोप आप देख रहे हैं, आप आपके लिए लगा रहे आरोप, मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन हो सके तो आप ईपी लगा लीजिए, एक हेडफोन लगा लीजिए, आपकी आवाज आ पाए।
आप हेडफोन लगा लीजिए, आपकी आवाज आ पाए करेक्ट, मैं गुजारिश करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा, आप एक हेडफोन लगा लीजिए सर, आपकी ऑडियो मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ दिखाना है, गड़वाली के नाम बता रहा हूँ, मानी नहीं रहे गड़वाली, संजय भट्ट बोलिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि चक्रोता से टिकट दिया गया डोभाल साहब को, अरे चक्रोता एक एसटी सीट है, एसटी सीट पे आप कहां का व्यक्ति को टिकट दे सकते हो, वो तो आपकी मजबूरी है, देना ही पड़ेगा एसटी व्यक्ति को, चक्रोता के व्यक्ति को देना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है तीनों पार्टियों की, चारों पार्टियों की, कहीं और से व्यक्ति वहां से लड़ ही नहीं सकता, एसटी लड़ेगा, एसटी आरक्षित सीट है वो। दूसरी बात, जो ये सहारनपुर के व्यक्ति को गढ़वाली बता रहे हैं जिन्हें धर्मपुर से टिकट दिया, गांव का नाम जहानपुर, जिला सहारनपुर, मैं जगह गांव का नाम भी बता रहा हूं साथ में, ये सहारनपुर के मूल निवासी हैं, जिन गांव का नाम है जहानपुर, वहां के हैं वो। और तीसरी बात, जो इन्होंने कहा डीके पाल उत्तराखंड में 150 साल से रहते हैं, डीके पाल मतलब इनके परिवार वाले रहते होंगे, तो डीके पाल साहब और इनके साथ देवेश्वर भट्ट जी ने भी पार्टी छोड़ी, और ये आरोप लगाया 350 करोड़ रुपए मांगे गए आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष बनने का, डीके पाल साहब भी बैठे थे उसमें और देवेश्वर भट्ट जी भी बैठे हुए थे, और इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी ये कहकर, यही वो डीके पाल हैं, अब ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं दोबारा ज्वाइन करने के बाद, तो क्या बात पूरी होने दीजिए चावला जी बात पूरी होने दीजिए, जब 350 करोड़ में इन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदेश अध्यक्ष का पद 350 करोड़ में मिल रहा है, तो अब डीके पाल जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो क्या 175 करोड़ रुपए दिए इन्होंने दिनेश मोहनिया को? और दूसरी बात, डीके पाल जी और दिनेश मोहनिया जी एक ही बिरादरी से आते हैं, वो बिरादरी, देखिए किसी बिरादरी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो बिरादरी है गडरिया, हिंदू मुसलमान गढ़वाली प्रेमी एक ही बिरादरी, क्या संजय भाई मानसिक संतुलन अपना संभाल कर रखिए, अपना इलाज कराइए, मानसिक आप पहले डॉक्टर पे जाइए पहले, तो आपको आप बातें कर रहे हैं, राज्य ये राज्य जब बना था ना, जब इसी गढ़िया के बच्चे ने, इसी गढ़िया के परिवार ने राज्य आंदोलनकारियों के साथ में खड़े होकर के उनको मदद की थी, आप कैसी बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी गढ़वाली प्रेमी, अब एक बिरादरी की बात आ गई। महेश जोशी जी मुझे एक बात बताओ, हर किसी ये कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कहते हैं कि महेश जोशी जी की बी टीम है, अब मुझे कमलेश उनियादी पहले आप बताइए और फिर महेश जोशी जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए मानिए ना मानिए, आम आदमी पार्टी के खड़े होने से बीजेपी को तो फायदा होगा ना कमलेश उनियाल जी, कि नहीं होगा? अगर ये वाकई डमी कैंडिडेट उतार रहे तो हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो विषय अलग है कि भाई किसको कैसे फायदा होगा, हर क्षेत्र की हर विधानसभा के अलग अलग कैलकुलेशन है, ठीक है, इसमें कई 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 चीजें हैं, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कहता हूँ, प्रत्यक्ष को किम प्राण, आप नहीं, मैं बता रहा हूँ आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आप ये देखिए ना, जब दिल्ली में सरकार मिलकर के बनाई है तो गलबैया किस किस की थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई दिल्ली में, और वही अरविंद केजरीवाल थे जो जिन्होंने अपनी एक सूची निकाली थी अपनी जेब से फर्जी, जिसमें करीबन उन्होंने 70-80 लोगों के नाम लिखे थे, इसमें सबसे ज्यादा नाम कांग्रेस के थे और पार्टियों के भी थे, ठीक है, उसके बाद उन्हीं पार्टियों के साथ सरकार बनाई, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि साहब हम किसी तरह का प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, ये सरासर एक फर्जी ढोंगी व्यक्ति है, और उत्तराखंड की जो जनता है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, जो बी टीम है ये कांग्रेस की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने मिलकर सरकार बनाई है, जब दिखाऊंगा रुकिए, अब मैं कह रहा हूँ कमलेश उनियाल जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई फायदा होगा या नहीं होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन मुझे एक बार बताइए कमलेश उनियाल जी, कोई मजबूत कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी से एक्स वाई जेड धर्मपुर सीट से चुनाव लड़ना चाह रहा है, ठीक है, आपको वो कैंडिडेट पसंद नहीं आया तो आप कहेंगे कि नहीं इनको बिठा दो, एक डमी कैंडिडेट उतार दो, तो फायदा तो किसी को भी हो सकता है ना सर, अगर आपके कहने पर या महेश जोशी जी के कहने पर कोई डमी कैंडिडेट उतार दे तो वो डमी कैंडिडेट ही तो है जो वोट काट के आपको फायदा पहुंचा दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नहीं होता? मैंने बताया ना, जैसे कि हर विधानसभा के भौगोलिक परिस्थिति और सही कई चीजें उसमें आती हैं, समीकरणें आती हैं कई, तो उस हिसाब से किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी
जो अगर बी टीम है तो कांग्रेस की, इन्होंने मिलकर सरकार बनाई भाई दिल्ली में। बी टीम है आगे बताओ, राजपुर रोड में तैयार हुई लिस्ट, आपके प्रदेश कार्यालय में लिस्ट तैयार हुई, आपने डमी कैंडिडेट उतरवाए, कमलेश उनियाल जी कह रहे हैं, बोलिए। देखिए ये तो सर्वविदित है कि कांग्रेस के का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस तो जनहित के लिए अपना काम करते रहती है, काम मुद्दों पे, मुद्दों को लेकर यहाँ प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और अपने मुद्दे जनता के लिए संघर्ष, शुरू से संघर्ष कर रही है और उन्हीं के मुद्दों को लेकर काम कर रही है। कांग्रेस का इस और कोई ध्यान ही नहीं जाता है। कांग्रेस तो हर सीट पे अपने अपने उम्मीदवार उतारे और बहुत अच्छी ढंग से यह प्रदेश के मुद्दों को उठा रही है। मैं तो एक चीज बोलूंगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं दिल्ली में, इंगेज कुछ और बोलते हैं, उत्तराखंड में आके कुछ और बोलते हैं। आप ये बताइए ना आगे आते। अब देखिए मेरे पास मैसेज आया संजय भट्ट, मेरे पास मैसेज आया डीके पॉल जी, कमलेश उनियाल जी, महेश जोशी जी, मैसेज ये आया तिलक चावला ट्रेलर कब तक दिखाओगे, असली पिक्चर दिखाओ। कह रहे हैं अगर पिक्चर है तो पिक्चर दिखाओ, कब तक ट्रेलर दिखाओगे। डीके पॉल जी दिखा दूं पिक्चर दिखाऊं, भट्ट जी, महेश जोशी जी, कमलेश उनियाल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक वादे के साथ कि डीके पॉल जी डिबेट छोड़कर नहीं जाएंगे। ये पिक्चर हम देख चुके हैं लेकिन आपके माध्यम से दिखाई जाए तो ज्यादा बढ़िया होगी। अभी रुकिए दिखाता हूँ, रुकिए, अभी डीके पॉल जी यहाँ पर शपथ खाएं, वो वाली शपथ नहीं जैसे दिल्ली में खाई थी, यहाँ शपथ खाओ कि मैं डिबेट छोड़ के नहीं भागूंगा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, डिबेट छोड़ के नहीं भागूंगा, बस इतना बोल दो आप। भाईचारा की बात कहाँ हो रही है, यहाँ तो पैसों के लेन देन की बात हो रही है डीके पॉल साहब, भाईचारा की कौन बात कर रहा है। ऑडियो बात करें, ऑडियो बाद में दिखाऊंगा, ऑडियो बाद में, बिल्कुल बिल्कुल करिए सर आप, अगर कोई सच्चाई है तो हम भी मानेंगे उस बात को। तुम्हें डीके पॉल जी को डीके पॉल जी दिखाइए, डीके पॉल दिखाइए, डीके पॉल जी दिखाइए, जब वो आरोप लगा रहे थे कि टिकट बेचती, जब वो आरोप लगा रहे थे कि पैसे खरीदे और बेचे, ऑडियो उठाओ डीके पॉल जी का, उठाओ। आम आदमी पार्टी की राज्य विरोधी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए, अब जैसा कि आदरणीय डॉक्टर देवेश्वर भट्ट जी, राजेश बनवाल जी, हमारे आदरणीय नेता कुमार साहब और शिवराज चौहान जी ने आपको आज इस पार्टी को छोड़ा है, मैं भी आज आम आदमी पार्टी की राज्य विरोधी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देता हूं। मैं डीके पाल, आम आदमी पार्टी की राज्य विरोधी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए, अब जैसा कि आदरणीय डॉक्टर देवेश्वर भट्ट जी, राजेश बनवाल जी, हमारे आदरणीय नेता कुमार साहब और शिवराज चौहान जी ने आपको आज इस पार्टी को छोड़ा है, मैं भी आज आम आदमी पार्टी की राज्य विरोधी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देता हूं। क्या बोला था डीके पॉल जी आपने, डीके पॉल जी को लाइए, डीके पॉल जी बताइए, डीके पॉल जी क्या हुआ था कि आपने कहा कि मैं शपथ त्याग पत्र देता हूं सार्वजनिक रूप से आम आदमी पार्टी से, ये राज्य विरोधी है जो बात भट्ट जी कह रहे थे, वही वाला मैंने वीडियो दिखाया, आप बताओ क्या हुआ था। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने दिखाया, अंदरूनी पार्टी के अंदर कोई भी अगर बात किसी के मनवाने की या किसी के कार्यकर्ता की कोई नाराजगी होती है तो पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि उस कार्यकर्ता की बात को पार्टी सुने। जो पार्टी 300 करोड़ मुझे नहीं पता, मेरे बयान में ऐसा कुछ, मेरे बयान में ऐसा 300 करोड़ का कुछ नहीं है सर, आप दोबारा दिखाइए, आप दोबारा दिखाइए सर, वहां बैठे हुए किसी शख्स ने 300 करोड़ नहीं बोला था, मुझे नहीं पता किसने कहा सर, मुझे नहीं पता, आप मेरे बयान में दिखाइए ना, आप मेरे बयान में दिखाइए, नहीं बोला 300 करोड़ सर, मुझे नहीं पता, मेरे बयान में दिखाइए ना, आप मेरे बयान में दिखाइए, मेरे सर मैं कह रहा हूं कि मेरे बयान में आप, मैंने बोला है क्या, किसने डीके पाल ने कभी नहीं बोला, बोला था 350 करोड़, किसने बोला, डीके पाल ने कभी नहीं बोला, आप बयान में दिखाइए सर, बोला था जब आप कह रहे थे कि मैं पार्टी, मुझे नहीं पता किसने बोला, मुझे नहीं पता, आरोप लगाने वाले बताएंगे, आरोप लगाने वाले बताएंगे, मुझे क्या पता किसने बोला सर, मैं क्यों, आप शपथ खाइए कि आपके सामने 350 करोड़ की कोई बात नहीं। नहीं सर, सर देखिए शपथ खाएंगे ना फिर तो बहुत सारी चीजों पर आपको भी शपथ खानी पड़ेगी, अब मैं खाऊंगा, आप बताइए आप क्या प्रायोजित नहीं है क्या, आज की डेट में जो डिबेट है क्या आपको, आप पर नहीं,
आम आदमी पार्टी के मन की बात नहीं होती है तो ये यही बोलते हैं कि मीडिया पिटा हुआ है, गोदी मीडिया है, यही 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 इनका नेचर है। आम आदमी पार्टी चरित्री है, ये देश की सबसे ईमानदार कट्टर पार्टी है। आपकी आपका चरित्र यही है पॉल साहब, जब आपके मन की नहीं होती है आप बोलते हैं मीडिया पिटा हुआ है। आरोप तो कोई किसी भी लगा सकता है, मेरे बयान में आप बताइए, आप मेरे बयान में बताइए, मेरे 300 के बयान में क्या बताइए, तो सामने दिखाई दे रहा है 350 करोड़ की बात हो रही है। नहीं आप सुनाइए ना, 300 करोड़ की बात अगर मैंने कही हो तो सुनवाइए आप, आपने नहीं कही है एक बार, मुझे जब आप पे आरोप लग रहे हैं जिसने बोला आप उनसे जवाब लीजिए, जिनसे बोला उनसे जवाब लीजिए, मैंने तो नहीं बोला ना। 350 करोड़ की बात किसने कही थी संजय भट्ट, क्या था ये प्रकरण? देखिए डीके पॉल जी कह रहे थे मैं त्याग पत्र देता हूं उस पार्टी से। देखिए चावला जी, 5 लोगों ने उस वार्ता में बोला है, उस वीडियो में 5 लोगों ने बोला है, लाइन से एक साथ बैठे हैं। जब लाइन से एक साथ बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी पार्टी को छोड़ते हैं 5 लोग और अपनी अपनी अलग अलग बात बोलते हैं, तो सबसे पहले देवेश्वर भट्ट जी, डॉक्टर देवेश्वर भट्ट जी ने बोला, उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली बुलाया गया और 350 करोड़ रुपए मुझसे आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए मांगे गए, मैं इस्तीफा देता हूं। उसके बाद दूसरे बोले, तीसरे बोले, चौथे बोले, 5वें नंबर पर माननीय डीके पॉल साहब बोले। तो ये 5 लोगों ने एक साथ पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी, और ये आरोप लगा के छोड़ी और वो वीडियो पूरी जगह वायरल हुआ। अब डीके पॉल जी क्योंकि वापस आम आदमी पार्टी में आ गए और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आज के समय में, तो मैं ये डीके पॉल जी से पूछना चाहता हूं कि उस समय 350 करोड़ अध्यक्ष के लिए मांगे थे, तो क्या अब आपने 175 करोड़ रुपए दिए प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के लिए, क्योंकि आधी डील हुई होगी ना? देखिए संजय भाई, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं 18 साल एक क्षेत्रीय राज्य बनाने वाली पार्टी में रहा हूं जिसका नाम उत्तराखंड क्रांति दल है, और अपनी सेवाएं दी हैं मैंने अपने उत्तराखंड क्रांति दल को, इस राज्य के एक एक चप्पे से मैं जानता हूं। उत्तराखंड के अंदर लगभग 150 दौरे मैंने किए हैं, 150 दौरे मैं हर गार गधेरे को जानता हूं उत्तराखंड के अंदर। आप मेरे पर यह आरोप लगा सकते हैं कि मैं किसी को पैसे देकर के कोई पद लूंगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको तो थोड़ा सा आप गंभीरता से बात करिए, थोड़ा सा संभल के रहिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। आप झूठा आरोप किसी प्रकार का जिसमें लगाइए, मैं जीना चाहता हूं, उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहता हूं, मुझे मारने मत, संभल के ही रहूंगा भाई मैं। नहीं 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 नहीं, आप भगवान आपकी उम्र बहुत लंबी करे, बात सुनिए, लेकिन मैंने राज्य आंदोलनकारियों के साथ में काम किया है। भट्ट जी को क्या कर रहे हो आप, संभल के रहो मतलब क्या? नहीं, जो बात आप कह रहे हैं, जो झूठे आरोप लगा रहे हैं आप, संभल कर लगाइए जिस पे लगा रहे हैं। ऐसे अनाप सुना, आपने बोला मुझको, मैंने 300 करोड़ बोला, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, मैंने कहा 300 करोड़ बोला, आप ऐसे अनाप सुना आरोप लगाएंगे? हम आपको अगर सम्मान कर रहे हैं तो आप हमें 300 करोड़ का आरोप लगाएंगे क्या? आप बताइए, आपने डिबेट दिखाइए, कौन से 300 करोड़ की बात करी है? मैंने झूठ मत बोलिए, आप कंडम करिए इनकी बात को, माफी मांगने के लिए मजबूर करिए। मैं चाहता हूँ ये माफी मांगे अभी, क्योंकि मैंने कब बोला 300 करोड़? आप झूठ ना देखिए, देखिए संजय भाई, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, कानून की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी कानूनी व्यवस्थाएं भी होती हैं। आप समझिए बात को, ध्यान से, गंभीरता से लीजिए बात को। मैं एक सच्चा सिपाही हूँ उत्तराखंड का, मैंने राज्य आंदोलनकारियों के साथ काम किया है। इस बात पे अगर मुझे कुछ हो गया तो आप सब गवाह हैं, इस बात पे अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे इस डिबेट में कहा गया संभल के रहे, मैं आम आदमी पार्टी का अपनी बात को संभल कर बोलिए संजय भाई, आपको कुछ नहीं हो रहा, ये राज्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक राज्य है, बहुत शांत, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। मैं आम आदमी पार्टी का, आप अपनी बात संभल कर बोलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप झूठ मूठ में आरोप मत लगाइए, कानून भी है, नहीं तो कानून भी है, कानून भी बैठा है हमारे लिए, आप झूठे मूठे आरोप लगाएंगे? कौन सी 300 करोड़ की बात बोली मैंने? आप माफी मांगिए आपके चैनल पर, और फिर मैं आपके चैनल को तो बड़ी गंभीरता से लेता हूँ सर, आप ही सोचिए, यदि तो मेरी जुबान में 300 करोड़ रुपए की बात आई हो तब तो आप मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे, और यदि आपके चैनल पर आपकी डिबेट भी दिखा रहे हैं, मैं सामने से भी बोल रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तब भी आप सुन रहे हैं सर,
ये तो आपकी भी गलत बात है सर श्रीमान जी, मैं आपके चैनल में बैठा हूँ, अपने सम्मान के लिए बैठा हूँ, आप मेरा सम्मान गिराने की बात कर रहे हैं, ये गलत बात है सर। कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आपको पता नहीं किसने बोला, एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं क्यों जाऊं सर उस बात पर, आरोप आपने लगाया, आप बताइए ना। एक सेकंड कमलेश उनियाल जी, एक स्थिति उत्पन्न हुई जिसको लेकर यह विवाद पैदा हुआ। कमलेश उनियाल जी, आप सार्वजनिक रूप से पार्टी से इस्तीफा देते हैं, जिस मुद्दे को लेकर देते हैं आप उस मुद्दे का जिक्र नहीं करते। आप कह रहे हैं मैंने बोला 300 करोड़, लेकिन आपके सामने मेरे शब्दों पर जाइए ना, मेरे शब्दों पर जाइए ना सर। आप बोला, इन्होंने बोला, लेकिन कमलेश उनियाल जी ये तो आरोप सिर्फ डीके पॉल जी ने थोड़ी ना लगाए थे, या डीके पॉल जी के साथ बैठे हुए लोगों ने थोड़ी ना लगाए, ये आरोप तो वो 37 लोग लगा रहे हैं जो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, और उनमें से कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई मेजर जनरल है, कोई राज्य आंदोलनकारी है, सब उस पद पर बैठे, कोई चिंटू मिंटू नहीं है, कोई चिंटू या मिंटू छोड़कर पार्टी को गया, उसके आरोप को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए, कोई मेजर जनरल है, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, और राज्य के अंदर उनका सम्मान है, सुदर्शन झा जी का कौन सम्मान नहीं करता, बस वो नेता नहीं है सर, का कौन सम्मान नहीं करता, सब करते। कमलेश उनियाल जी, अरे कर्नल कोटिया कौन सा नेता है, कर्नल कोटिया नेता नहीं है। मैं बिल्कुल सही कह रहे हो, वो नेता बनने की उनकी घोषणा की है आम आदमी पार्टी ने, देश की एक जिम्मेदार पार्टी ने उनको इस राज्य के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। आप वो कैसी बात कर रहे हैं, वो नेता क्यों नहीं है, जब तक पार्टी किसी पर मोहर नहीं लगाती, किसी को प्रत्याशी नहीं बनाती, तब तक वो नेता नहीं होता। दिखाया कमलेश उनियाल जी, मैंने गलत दिखाया, डीके पॉल जी नाराज हो गए, मैंने गलत दिखाया कुछ? आपने बिल्कुल सही दिखाया। मैं एक चीज बोलूंगा, जहां पर अगर ये कानून की दुहाई दे रहे हैं कि कानूनी व्यवस्था है, आप ये चीज बताओ, षड्यंत्र 420 के अंतर्गत 120 भी एक धारा है, जिसके अंतर्गत अगर आप किसी भी षड्यंत्र में या कोई बात रखते हैं, चार लोग बैठ करके या पांच लोग बैठ करके, शुरुआत उसमें अगर 350 करोड़ का जिक्र आया है और उसी बात को सहमत करते हुए पॉल जी ने कहा भाई मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, भट्ट जी का भी कहना बिल्कुल सही है कि भाई आपने जब त्याग पत्र दिया है तो पुनः आप पार्टी में आए तो पार्टी ने क्या ऐसा प्रलोभन दिया आपको, हम तो इस बात में भी बात करेंगे। देखे इनका, और दूसरा पॉल जी की मैं उस बात की बात का खंडन करूंगा, ये कह रहे हैं कि साहब आप भी किसी ने किसी मने कोई ना कोई प्रायोजित है, इनका तो केजरीवाल का और इस पार्टी का जो पार्टी के अंदर जो डीएनए है, अगर मैं इसके डीएनए पे भी जाता हूँ कि जब भी इनकी मंशा नहीं होती है तो ये कभी कभी मीडिया को, कभी कभी किसी पार्टी को, सब चोर है। अगर मीडिया इनके पक्ष में दिखाई तो अच्छी है, अगर कोई पर्दाफाश करने वाली बात आती है बोलते चोर है। तो इनका जो चरित्र है और चेहरा है वो जनता के सामने पूर्ण रूप से आज जाग, इससे पहले भी कई डिबेट में और कई जगह जाकर मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से संजय भट्ट जी कैसे लड़ते थे आम आदमी पार्टी से, तो हम डिबेट में बैठते थे। मैंने आपको कहा ना, ये किसी के इमोशन, अगर इमोशन के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जो व्यक्ति है वो इमोशन के साथ खेलना अच्छी तरह से जानता है। उसका एक ही उद्देश्य है कि हमको किसी तरह से यहाँ पे वोट मिले और एक नेशनल पार्टी बनकर के उभरे, और हम कितना पैसे यहाँ से इकट्ठा करें ताकि हम उन राज्यों में जहाँ हमें सफलता मिलती है वहाँ ट्रांसफर कैसे करें। तो इनका जो चंदाखोर पार्टी है, इन पे चंदे के आरोप कई बार लगे हुए, जिन पे जो कई चीजें जांच के विषय के अंतर्गत भी है आज की डेट में, और कई बार ये तुष्टिकरण, इनके अगर तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जैसा देश वैसा भेद, मतलब जहां पे इसको लगेगा कि ये मुद्दा अच्छा है उस हिसाब से इनको आम जनमानस या आम व्यक्ति, किसी गरीब व्यक्ति या किसी लाचार व्यक्ति की भावना का कोई भी इनके अंदर कोई कदर नहीं है। तो इनका तो जब भी आप अगर इन पे आरोप लगाओगे तो बोलेंगे आप क्यों हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपका, आज इतना गुस्सा कर रहे हैं, कल को इनकी जरूरत पड़ गई तो देखिए हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा तो देखो, हमने तो एक चीज हमने लेके चली है, हमने तो उस समय भी जब दिल्ली में सरकार बनने की बात आई तो हमने इनको ना इनके साथ गए ना हम आए हैं, इनकी जिसको जरूरत पड़ी थी वो दिल्ली में पड़ी थी, और हो सकता है अगर जो संभावना यहाँ भी नहीं है, हम लोग पूर्ण बहुमत में जीत करके आएंगे, क्योंकि हमारी जो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है विकास के आधार पे वोट मांग रही है। किसी इनका उद्देश्य क्या है कि मतलब तुष्टिकरण करो, राजनीति करो, गंडाखोरी करो। इनके एक नेता डिबेट में कह रहे थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी किसी की, इनकी गलत फहमी है।
उत्तराखंड, ये आपने देखा होगा उत्तराखंड जो है यहाँ पे करीबन आप ये तो सैनिक बहुबल्य क्षेत्र है, यहाँ पे प्रत्येक घर से एक एक सैनिक है, हर 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 गांव से आप ये देखो 10-10, 20-20 लोग फौज में हैं। उत्तराखंड की जो भावना है देश प्रति है, हमारे यहाँ देश भाव पहले रखा गया है, हमारे संगठन में भी है, और ये लोग वही हैं इनके केजरीवाल जो सेना की सियादत के सबूत मांगते हैं और ये बोलते हैं कि साहब इसका मुझे दिखाओ। संजय भट्ट जी फाइनल कमेंट आपका, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। देखिए वो हो सकता है किसी और भावना से उन्होंने बोला हो कि संभल के रहो, लेकिन संजय भट्ट जी उन्होंने बोला, मैं पूछना चाह रहा था उन्होंने किस भावना से और किस मकसद से बोला कि संजय भट्ट संभल के रहो, लेकिन फाइनल कमेंट आपका चलते चलते। देखिए अब जब आम आदमी पार्टी की सच्चाई सामने आ गई है और आधा दर्जन के करीब प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता छोड़ के चले गए हैं, आधा दर्जन के करीब जिला अध्यक्ष छोड़ के चले गए हैं, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष छोड़ के चले गए हैं, कई प्रदेश उपाध्यक्ष छोड़ के चले गए हैं, कई प्रदेश सचिव छोड़ के चले गए हैं, दूसरे पदों पर रहे लोग जिला में प्रदेश में वो छोड़ के चले गए हैं। क्यों छोड़ के गए? कुछ तो कारण होगा ना जो दर्जनों लोग छोड़ के चले गए। आम आदमी पार्टी नैनीताल से एक व्यक्ति को टिकट देती है जो एक लगभग 15-20 दिन में तीन पार्टियों में होकर आया, उसे टिकट दे देती है, और जिसका टिकट हुआ था उसका अंतिम दिन टिकट काट देती है, जिन्होंने डॉक्टर भुवन चंद्र आर्य जी ने पिछले 3 साल से मेहनत की और नॉमिनेशन भी दाखिल किया हुआ था। माने किसी की भी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दो आप, उस व्यक्ति के साथ सोचिए ना जिसने नॉमिनेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसका नाम घोषित हो गया टिकट के लिए और तीन पार्टी उसे आए व्यक्ति को टिकट दे दिया। डीके पॉल साहब, यही नहीं, मैंने तभी कहा था डीके पॉल जी डिबेट तो छोड़ के नहीं जाएंगे, अब पता नहीं क्यों चले गए, वो हो सकता है कुछ मजबूरी हुई होगी, डीके पॉल जी डिबेट छोड़ के चले गए। थैंक यू सो मच संजय भट्ट जी आपका भी, और कमलेश उनियाल जी आपका जी, महेश जोशी जी भी जुड़े थे हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डीके पॉल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार उत्तराखंड की सियासत में इन आरोपों के तूफान से हासिल क्या होगा? क्या वाकई आम आदमी पार्टी अपनों के ही बगावत से घिर गई है, झुलस रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अपनी ही पार्टी के नेता एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।